आज विश्व में भारत का मान सम्मान बढ़ा। आज भारत के पासपोर्ट की ताकत सारी दुनिया में, जहां भी हिंदुस्तानी हिंदुस्तान का पासपोर्ट लेकर के जाता है, सामने मिलना वाला आंख ऊंची करके गर्व के साथ देखता है। आपको शर्म आती है विदेशों में जाकर के देश की गलत तरीके से पेश कर रहे हो? जब देश डोकलाम की लड़ाई लड़ रहा था, खड़ा था, आप चीन के लोगों से बात कर रहे थे? आपको याद होना चाहिए, संसदीय प्रणाली, लोकतंत्र, देश, विपक्ष, एक जिम्मेवार विपक्ष क्या होता है? शिमला करार जब हुआ, इंदिरा गांधी जी ने बेनजीर भुट्टो के साथ करार किया, हमारी पार्टी का इतिहास था। लेकिन इतिहास गवाह है कि अटल बिहारी वाजपेयी इंदिरा जी का समय मांगा, इंदिरा जी को मिलने गए और उनको बताया कि देश हित में ये गलत हो रहा है। बस हमने बाहर आकर के उस समय देश का कोई नुकसान नहीं होने दिया था। देश की हमारी जिम्मेवारी होती है। जब हमारी सेना का जवान सर्जिकल स्ट्राइक करता है, आप सवाल या निशान खड़ा करते हो? मैं समझता हूं जब देश में एक कॉमनवेल्थ गेम हुआ, इस देश में एक कॉमनवेल्थ गेम हुआ, अभी भी कैसी कैसी चीजें लोगों के मन में सवाल या निशान बनी। इस सरकार में आने के बाद 54 देशों का इंडिया अफ्रीका समिट हुआ, ब्रिक्स समिट हुआ, फीफा अंडर 17 का वर्ल्ड कप हुआ, इतने बड़े बड़े योजनाएं हुई। अरे अभी 26 जनवरी को आसियान के 10 देश के मुखिया आकर के बैठे थे और मेरा तिरंगा लहरा रहा। आपने सोचा नहीं था। अरे जिस दिन इस नई सरकार का शपथ हुआ और सार्क देशों के मुखिया आकर के बैठ गए, तो आपके मन में सवाल था कि 70 साल में हमें क्यों समझ नहीं आया? छोटा मन बड़ी बात नहीं कर सकता है।